हेलो फ्रेंड्स यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट का हिस्ट्री का चैप्टर ट्वेल्व है ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया तो देखिए इस चैप्टर को हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स से हम इजली जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट है वो सबका सब यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जितनी भी कैपिटल हेडिंग्स हैं वो मैंने कैपिटल लेटर्स में मेंशन किया है उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन किया है ठीक है अब एक चीज़ और देखिए आपको जो स्टार्ट करना है सबसे पहले तो हम नोट्स में स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस चैनल पर आपको इस तरह की और वीडियोज़ भी मिल जाएंगी आपके चैप्टर से रिलेटेड तो आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी आप मेरे चैनल पर आते हैं तो प्ले ऑप्शन पर जाया करिए और इवन होम पेज पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको क्लास वाइज आपकी सारी जो वीडियोज़ वो तो आप ए, में से रिलेटेड है तो किस तरीके से हमारी कंट्री में राइज और ग्रोथ हुआ नैशनलिज्म? ठीक है राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की जो भावना है वो किस तरह से जागृत हुई तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है और इसमें हम बहुत सारी चीजों को जो है वो समझेंगे क्या ऐसे रीजन थे ठीक है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहता है तो इसी तरह से जब नेशनलिज्म इन इंडिया की जब ग्रोथ हुई जब ये राइज हुआ तो बिल्कुल इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होंगी तो इसी चीज़ को हम पूरा अच्छे से समझेंगे जिस तरह से देखिए इंट्रोडक्शन में चीज़ मैंने अभी आपको बता दी कि नाइनटीन सेंचुरी में पूरा का पूरा इस चीज़ को ये विटनेस रहा कि कैसे राइज हुआ ग्रोथ हुआ नेशनलिज्म इन इंडिया में और साथ ही इंडियंस जो थे वो नाउ स्ट्रांगली वो बिगिन टू फील वो स्ट्रांगली इस चीज़ को विश्वास करने लगे थे कि इंडिया जो है वो सिर्फ भारतीयों का है और यहाँ पे जो राज होना चाहिए जो रूल होना चाहिए वो सिर्फ भारतीयों का होना चाहिए किसी भी फॉरेन पावर का यानी किसी भी विदेशी आ, पावर का किसी भी विदेशी सत्ता का यहाँ पे किसी तरह का राज ना रहे फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहे फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन यानी हम किन फैक्टर्स के बारे में हम जाने वाले हैं हम वो कारण जानेंगे उन वजहों के बारे में जानेंगे जिसके वजह से नेशनलिज्म जो है वो राइज हुआ उसकी जो कह सकते हो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ किस तरह से हुआ तो क्या उसकी वजह थी क्या उसके फैक्टर्स थे उनके बारे में समझेंगे तो सबसे पहले जो देखिए आप सबके सब जो ये फैक्टर्स हैं वो सब हेडिंग्स में यहाँ पे मेंशन है उसके अंदर जो भी हमें समझना है अच्छे से कि हाँ अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप इन सब हेडिंग्स को लिख सकते हो उसके अंदर जब आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप इन पॉइंट्स के हेल्प से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो सबसे पहले जो है वो इकनॉमिक एक्सप्लोटेशन है तो देखिए किस तरह से जो है इकनॉमिक एक्सप्लोटेशन यहाँ पे हुआ और जो हमारी खुद का जो हमारा आर्ट कल्चर था वो किस तरह से तबाह हुआ किस तरह से बर्बाद हुआ तो ब्रिटिश जैसे कि हमें पता ही है कि वो जब इंडिया आए थे तो एज़ ए ट्रेडर्स आए थे आप देख सकते हैं कि जो उतने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो मैंने उनको हाईलाइटेड भी किया है तो जब भी आप इसको एक बार रिविजन के तौर तो पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप जब हाईलाइटेड वर्ड्स देखोगे तो आपको क्लियरली जो है आपको पॉइंट्स जो है वो अपने आप ही समझ में आने लगेंगे ठीक है और आपको ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी तो ब्रिटिश याद रखेगा जब वो इंडिया आए थे तो एज अ ट्रेडर्स एज अ व्यापारी आए थे बट धीरे धीरे किस तरह से उन्होंने अपना एक अधिकार ठीक है पूरी के पूरी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसमें अपना अधिकार जमा लिया और इंडिया में वो शासन करने लगे हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो थी वो उन्होंने इम्पोज करी ब्रिटिश अल्टीमेटली और जिसकी वजह से क्या हुआ जो इंडियन इंडिग्नेशियस इंडियन, हैंडीक्राफ्ट थे जो यहाँ के जो स्वदेशी सामान जो बनते थे और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो किस तरह से ये आ, मशीन मेड चीज़ें आने लगीं विदेशों से और इसकी वजह से जो इंडिया का खुद का हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल था जो ग्रोथ कर सकता था वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया और एक्सेसिव डिमांड्स ऑफ रेवेन्यू इसके साथ ही जो रेवेन्यू यहाँ पे इतना ज़्यादा लगा दिया गया कर मांगा गया टैक्सेस मांगे गए जिसके वजह से भी धीरे धीरे जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन यहाँ पे होता रहा और यही वजह थी क्योंकि जब इतना इकनॉमिक एक्सप्लोटेशन होते होने लगा कि लोगों के पास खुद का लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कोई जरिया ही नहीं बचा तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय विद्रो करने का पोलिटिकल कॉजेज़ में आ जाते हैं तो देखिए पोलिटिकल कॉजेज़ में क्या है तो यहाँ पर ब्रिटिश ग्रेजुअली किस तरह से उन्होंने अपनी जो पावर थी सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ़ एक नॉर्मल शासन कर रहे थे बट धीरे धीरे उन्होंने हर एक फील्ड में किस तरह से अपना कब्जा कर लिया था किस तरह से अपना शासन कर लिया था आ, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ समझनी होगी तो ब्रिटिश ने धीरे धीरे जो है पॉलिटिकल कंट्रोल भी है पूरा का पूरा होल ऑफ इंडिया में अपना पॉलिटिकल कंट्रोल जो है उसको इस्टेब्लिश कर लिया था और इसकी वजह से क्या हुआ देखिए इसकी वजह से जो है एजिटेशन अमंग द रूलिंग प्रिंसेज एंड नवाब्स तो यहाँ तो हमेशा से राजा और नवाबों का शासन रहा था पर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज करने लगे उनका पॉलिटिकल कंट्रोल इतना ज़्यादा हर चीज़ पे होने लगा तो इसके वजह से ना एक एजिटेशन आप कह सकते हो वैकुलता जो होती है एक परेशानी कह सकते हो एक तनाव की स्थिति जो है वो रूलिंग प्रिंस और नवाब्स में यहाँ पे देखी जाने लगी इसके साथ ही पीजेंट्स रिवॉल्व भी होने लगे ट्राइबल अपराइजिंग्स मिलिट्री म्यूटनीस एंड फाइनली द रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो इस इन वजहों से देखिए जो पॉलिटिकल कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन है तो इन वजहों से बाकी और क्या चीज़ें होने वाली थी तो नेक्स्ट हुए थे आपके देखिए पीजेंट रिवॉल्व किस तरह से जो किसान थे उनके रिवॉल्व होने लगे ट्राइबल अपराइजिंग्स ठीक है जो ट्राइबल कम्युनिटी थी जनजातियाँ थी उन्होंने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिए इसी तरह से देखिए जो मिलिट्री ठीक है सैनिकों ने भी बगावत जो है वो स्टार्ट कर दिए और फाइनली जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्योंकि इन सब ने ही इस पे कॉपरेट किया था और इनसे मिलके आप कह सकते हो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो स्टार्ट हुआ अब आते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल अवेकनिंग पे तो रिलीजियस और कल्चरल अवेकनिंग में भी आप देखोगे कि रिलीजियस और कल्चरल मूवमेंट्स जो है एटीन और नाइनटीन सेंचुरीज में स्टार्ट हुए और इनका क्या एम था तो इनका एम था कि रिफॉर्म करना यानी सुधार करना सोसाइटी में और किस चीज़ में बदलाव करना है, किस चीज़ में सुधार करना है, तो काफ़ी ज़्यादा सोशल ईवेट्स जैसे आपको याद होगा आपने आपके क्लास एट्थ में हिस्ट्री में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा वीमेन इन रिफॉर्म चैप्टर है लोअर कास्ट रिफॉर्म चैप्टर है अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़े तो वो वीडियोज़ भी हैं हाँ, अवेलेबल हैं आप वो देखिएगा आप उसको भी वहाँ पर आपको पता अच्छे समझ में आएगा अनटचेबिलिटी थोड़ा सिविक्स पोर्शन में आए तो अनटचबिलिटी अनटचेबिलिटी है तो ये जो चीज़ें हैं ठीक है कास्ट सिस्टम हुआ सती प्रथा था पॉलीगैमी था है ना चाइल्ड मैरिज था तो ये सारी जो थी ये सोशल ईवेल्स थी ठीक है तो सबसे पहले रिफॉर्म करना बहुत जरूरी था क्योंकि इनके वजह से भी जो समाज था वो बटा हुआ था ठीक है कास्ट सिस्टम में भी बटा हुआ था तो इस वजह से सबसे पहले इनको एक यूनिट है ना यूनाइटेड यूनाइट करना बहुत जरूरी था और इसके साथ ही देखिए रिवाइवल ऑफ इंडियाज रिच ट्रेडिशनल हेरिटेज और इंडियाज का जो रिच ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको भी संभाल के रखना था उसको भी रिवाइव करना था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी ऑफ द ब्रिटिश इसके साथ ही देखिए आप नेक्स्ट स्टेप हेडिंग पे आ रहे हैं तो देखिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी भी थी ब्रिटिश में देखिए अगर आप कहीं राज करना चाहते हैं अपने पावर को स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो यूनिटी कहीं ना कहीं होनी जरूरी है तो ये यूनिटी जो थी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जो था वो ब्रिटिश के वहाँ पे देखने को मिलती थी और इस, इसके लिए उन्होंने देखिए क्या क्या किया था तो फैसिलेट टू फैसेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वास्ट कंट्री लाइक इंडिया तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को फैसलेट करना किस तरह से उसको फैसिलिटी को और अवेलेबल करना करने के लिए ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई यूनिफॉर्म सिविल ठीक है जुडिशियल रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो थे वो पूरी कंट्री में लागू कर दिए गए इसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश के द्वारा यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी एक नेसेसरी uh, था फॉर बेटर एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन रिसोर्सेज ठीक है तो इन्होंने अपने अपने हर हाँ जगह के लिए अपने फायदे के लिए इन्होंने यूनिटी लाई गई अपने आप अपने उस, उसके लिए फ़ायदे के लिए साथ ही यूनिफॉर्मिटी लाई गई एडमिनिस्ट्रेशन में और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लोटेशन कर सकें इंडियन रिसोर्सेज का यानी अगर आ, सभी के सभी ब्रिटिशर्स एक उसमें कह सकते हैं कि हाँ हमें ये रिसोर्स चाहिए हमें कम दामों पर चाहिए हम ये एक्ट पास करना चाहते हैं ये जो टैक्स है ये इम्पोज करना चाहते हैं तो हर कोई एग्री होता था कोई कोई विद्रोह नहीं करता था कोई उसके खिलाफ नहीं जाता था तो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ देखने को मिलती थी कि कोई भी उनके फैसले से को गलत नहीं कह सकता था कोई भी उस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकता था तो दिस यूनिफॉर्मिटी अगर देखा जाए ठीक है ये ब्रिटिशर्स के हिसाब से उनके लिए उनके लिए अच्छा था तो इससे एक चीज़ ये भी देखने को मिली सीखने को मिली इंडियंस को कि किस तरह की एकता की भावना जो है उन लोगों में है मिलजुल के काम करते हैं किसी का पॉइंट आउट करके विद्रो नहीं करते तो ये एक कह सकते हो कि एक अच्छा रूप ये भी हुआ है इसके वजह से एक रिजल्ट हुआ हुआ कि यूनिफिकेशन हुआ पीपल ऑफ इंडिया का भी ठीक है क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो भी अब मिलजुल के एक साथ खड़े हुए और इनके क्लास खड़े हुए अब आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे तो ये है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो ब्रिटिशर्स ने देखिए कोई भी चीज़ जो अच्छी या बुरी आप कह सकते हो जो भी स्टार्ट की तो उन्होंने कई अपने ही फायदे सी थी वो हो सकता है कि हाँ दूसरों को किस तरह से दूसरे उससे फायदा उठा ले तो वो एक अपना खुद का टैलेंट था लोगों का तो यहाँ भी जो डेवलपमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का तो ब्रिटिशर्स ने अपनी सहूलियत के लिए इन चीज़ों का आविष्कार किया था उन्होंने इंडिया को कभी डेवलप करने के लिए या इंडियंस के भलाई के लिए काम नहीं किए गए थे बट जब ये डेवलपमेंट हुई पोस्ट की टेलीग्राफ की रेलवे लाइन्स की तो इससे जो है हमें बहुत फायदा हुआ इंडियंस को बहुत फायदा हुआ और प्रमोशन हुआ यूनिटी का ठीक है एकता का प्रमोशन हुआ इंडियंस के बीच में और इससे क्या हुआ लोग जो है इंटरमीडियल ठीक है मिलजुल के रहने लगे कम्युनिकेट करने लगे और डिस्कस भी करने लगे अपने जो मेन मुद्दे थे उस टाइम के और कॉमन डिजायर फॉर फ्रीडम और सबके जब सोच जानने को मिली तो मिला कि सबके सब जो है फ्रीडम चाहते हैं अब आते हैं नेक्स्ट सब हेडिंग पे तो ये है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस तो देखिए जिस तरह से डेवलपमेंट धीरे धीरे हो ही रही थी हर एक फील्ड में तो जब प्रेस का डेवलपमेंट हुआ और न्यूम्रेस जर्नल्स मैगजीन्स न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जब लिखने और छपने स्टार्ट हो गए होने स्टार्ट हो गए और ये पब्लिश किए गए नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा तो इससे क्या हुआ इससे जो है आइडियाज़ ऑफ यूनिटी पेट्रोटिज़म नेशनलिज्म और

को सोचा गया वुड्स डिस्पैच मैंने एक्सप्लेन किया था तो आप उस चैप्टर को भी देखिएगा उसकी भी वीडियो अवेलेबल है तो आ, इज, जिस तरह से वो चाहते थे कि इंग्लिश एडुकेशन यहाँ पर इंडियंस को प्रोवाइड की जाए तो इसमें भी वो अपना फायदा चाहते थे कि जो क्लर्क्स हैं वो इंडियंस को बनाया जाए पढ़ लिख जाए ये लोग और ताकि सस्ते दामों पर ठीक है ना आप कह सकते हो उनको कम सैलरी दे वो उनसे काम निकवा सके तो किसी तरह का पढ़ा के कोई उद्धार कराने का उनका कोई इरादा नहीं था बट जब यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन हुई इंडिया में जब ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया तो धीरे 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 जो है एक क्लास जो इंडियंस थी जो आप कह सकते हो कि वो चाहते भी थे कि कुछ इंडियंस ऐसे हो जाएं जो हमारी तरह ही इंग्लिश बोलने लग जाए हमारी तरह ही हमें कॉपी करें और हमें सपोर्ट भी करें हमारी पॉलिसीज में बट कुछ लेवल पे आप देखेंगे ये काम थोड़ा अलग भी हुआ कि जब लोग पढ़ लिख गए तो उन्होंने ये चीज़ को समझा कि हमें स्वतंत्र होने में ज्यादा फायदा है ना कि इस तरह की गुलामी भरी जिंदगी जीने में स्प्रेड हुआ मॉडर्न एजुकेशन का और इसका एक रिवर्स इफेक्ट हुआ और इसने क्या किया देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियंस को नेशनलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक आउटलुक प्रदान किया डेवलपमेंट आते हैं वर्नाकूलर लैंग्वेजेस के ऊपर तो देखिए वर्णाकूला लैंग्वेजेस का मतलब था लोकल भाषाएं ठीक है थीके? जो रीजनल भाषाएं है होती हैं जैसे मराठी है कौन कनी है एक आपकी नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं ठीक है उसी तरह से वर्ण लैंग्वेजेस भी होती हैं जो हमारी मातृभाषाएँ होती हैं जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं तो नेशनल लीडर्स जैसे दादा भाई नरोजी हैं सर सैयद अहमद बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा इन्होंने वकालत की ठीक है एडवोकेटेड मतलब बोला इस चीज़ को अड़े रहे कि जो वर्णाकुलर लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है और इसके वजह से जो प्रमोट कर सकते हैं हम ज्यादा से ज़्यादा जो मासीज हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा को नहीं समझते थे तो आज भी आप देखो तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस जो हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज आप कहते हो कि हाँ एक कॉमन लैंग्वेज तो है बट आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं इन लैंग्वेज़ को नहीं समझ पाते तो उनके जो खुद की रीजनल लैंग्वेज है अगर आप उनमें उस उनको कोई बात बोलोगे तो वो बहुत ईजिली समझ जाते हैं तो इसी तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ की बगावत वक़ालत की कि वर्णाकुलर जो जेस है उसको प्रमोट किया जाए जिससे कि जो देशभक्ति की जो भावना है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागृत हो सके अब आते हैं कुछ इमीडिएट फैक्टर्स तो देखिए इमीडिएट फैक्टर्स में क्या कहते थे तो लॉ लेटेंस की कुछ पॉलिसीज थी जिसकी वजह से इंडियंस जो थे वो काफी परेशान हुए और उसके खिलाफ जो है उन्होंने बगावत स्टार्ट कर दी रिमूवल हुआ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ फ्राम ब्रिटिश गुड्स जो ब्रिटिश गुड्स आते थे ठीक है फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स उन पे, उन उनपे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगती थी उनको हटा दिया गया था तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि इंडियंस ने स्टार्ट किया थे मूवमेंट्स फिर देखिए वॉर अफ़गानिस्तान जो वॉर स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ उसके वजह से भी क्योंकि इंडिया का जितना भी रेवेन्यू था वो उसमें फाइनेंस कर दिया गया था तो इंडिया का पैसा ले लेके यहाँ से सारा पैसा लेके और उसका इस्तेमाल जो है वॉर में जो है सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता था वर्ना प्रेस एक्ट आया 1878 में जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन लग गया न्यूज़पेपर्स और मैगजींस में और इन की वो इंडियन लैंग्वेजेस में नहीं छपेंगी छपेंगी तो सिर्फ इंग्लिश में छपेंगी बाकी जो बांग्ला है आपकी कौनकनी है मराठी है तेलुगु है तमिल है तो इन भाषाओं में लोकल भाषाओं में रीजनल भाषाओं में वो पेपर्स जो हैं वो प्रिंट नहीं होंगे तो इस ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो पास किया गया तो इससे भी जो लोग थे वो इसके खिलाफ हो गए आर्म्स एक्ट आया 1878 में जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते थे तो उन अगर उनको आर्म्स कैरी करना है तो उनको लाइसेंस चाहिए होता था ठीक है और लाइसेंस आप कह सकते हो कि इतनी इजली तो वो बिल्कुल आपको नहीं मिलता था तो आइए आप समझ लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग को और ये है दी इलबर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी तो देखिए इसमें जो लॉ रिपेंस का लॉ मेंबर था उसमें से जो लॉ मेंबर था वो था सर कॉटनरी इलबर्ट उसने इंट्रोड्यूस किया था एक बिल जिसको इलबर्ट बिल के नाम से जाना जाता है और इस बिल में क्या था तो देखिए इस बिल के द्वारा अब अलाउ कर दिया गया था जो इंडियन जजेस हैं वो केसेस जो हैं जो यूरोपियंस के भी जो केसेस हैं उनको भी जज कर सकते हैं उनको जजमेंट दे सकते हैं इससे क्या था अभी यहाँ पे आपको समझना होगा जो सेकंड पॉइंट है उसको थर्ड पॉइंट जो है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो इससे पहले क्या होता था कि यूरोपियन जजिस ही सिर्फ यूरोपियंस से पर्सन से रिलेटेड कोई भी केस आता था सिर्फ यूरोपियन जज उसको सुन सकता था उसमें जजमेंट कर सकता था इंडियन जज कोई अधिकार नहीं था ठीक है अगर आप माने अगर कह सकते हैं तो अगर इंडियन का भी कोई केस आता था तो उसको तो यूरोपियन जज भी कर सकता था और इंडियन जज भी जजमेंट कर सकता था बट अगर यूरोपियन का कोई केस आता था तो यूरोपियन जजेस को ही सिर्फ अधिकार होता था इंडियन जज को अधिकार नहीं होता था बट लॉर्ड रिपिन का जो लॉ मेंबर था सर क्वाडनी एलबर्ट उसके द्वारा जब ये एलबर्ट पीट लाया गया तो उसमें ये चेंज कर दिया गया और अब इंडियन जजेस को भी कोई भी केसेस जो हैं यूरोपियंस के उसको वो अब वो जजमेंट करने का जो अधिकार है उनको इन्वॉल्व वो कर सकते थे ठीक है तो उसमें इन्वॉल्व वो हो सकते थे तो ये अधिकार वहाँ पे मिल गया था अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का तो किस तरह से जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर्म होने लगी तो ये 1850 से 1885 का टाइम था जब इंडियन इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो सेटअप होने लगी थी फॉर्म होने लगी थी तो इसी तरह की जो फर्स्ट एसोसिएशन थी वो सबसे पहले स्टैब्लिश हुई बंगाल में एटीन में जिसको बंग भाषा परीक्षा प्राकाशिका सभा कहते थे ठीक है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इसको फॉर्म किया था 1851 में कलकत्ता में फिर नेक्स्ट जो है 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन फॉर्म्ड हुई नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस तो सबसे पहले देखिए इंडियन कांग्रेस किस तरह से फॉर्म हुई तो इंडियन नेशनल यूनियन पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था और ये फॉर्म्ड हुई ए ओ ह्यूमे के द्वारा इन एटीन में ह्यूमे जो थे वो एक ब्रिटिश मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विसेज़ के ह्यूमे ने एक कॉल की थी कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल यूनियन की और जो कि हेल्ड होने वाली थी कॉन्फ्रेंस uh, जो थी वो पुणे में हेल्ड होने वाली थी बट पुणे में कॉलरा आउट हो गया जिसके वजह से इसका जो वेन्यू था उसको शिफ्ट कर दिया गो गोकुलस तेजपाल संस्कृत पाठशाला बॉम्बे में और जो इसका फर्स्ट सेशन था इस यूनियन का वो कब हुआ वो ट्वेंटी एट थर्टी दिसंबर 1885 को हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में सजेशन दिया था दादा भाई नरोजी ने कि जो नेम है इंडियन नेशनल यूनियन उसको चेंज कर दिया जाए और इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया जाए तो तभी से इसका नाम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से जाने जाने लगा फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की उसकी अध्यक्षता प्रिसाइडिंग मतलब अध्यक्ष कौन थे उस टाइम तो वो डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की साथ ही इसको अटेंड किया सेवेंटी टू डेलीगेट्स ने ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो ट डिफरेंट पार्ट थे इंडिया के वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि जो थे लीडर्स थे उन्होंने इसको अटेंड किया तो ये आप याद रखिएगा सब हाईलाइटेड है तो ये चीज़ें पूछी जाती है तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा आप आते हैं मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस में तो एटीन से नाइनटीन का जो टाइम था वो मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है ये मॉडरेट फेज था कांग्रेस का फर्स्ट ट्वेंटी ईयर्स जो थे शुरुआत के जो बीस साल थे कांग्रेस में वो किसके द्वारा डोमिनेट हुई तो वहां पे मॉडरेट्स का, का काफी ज्यादा अहम रोल था वो उसके द्वारा ही पूरी की पूरी जो कांग्रेस है वो रूल हुई गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक फेमस इंपॉर्टेंट लीडर थे इस ग्रुप के और मॉड्रिस जो थे वो लिबरल थे देखिए मॉड्रिस जो थे उनकी सोच के आधार पर इनको मॉडरेट्स कहा जाता था, था तो इनकी सोच काफ़ी लिबरल होती थी ऑब्जेक्टिव्स को लेके मेथड्स को लेके और ये ने अभी भी विश्वास था ब्रिटिशर्स पे उनकी गुडनेस और जस्टिस पे कि धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है इनकी भावना को समझेंगे और एक दिन इनको आज़ादी दे, दे देंगे मेन डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की तो ग्रेटर नंबर ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट तो मॉडरेट्स जो थे वो चाहते थे कि धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में जो भी सरकार बने और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस को ज़्यादा से जर जॉब मिले सेपरेशन और उनकी संख्या जो है वो ज्यादा से ज़्यादा बढ़े सेपरेशन चाहते थे ये जुडिशरी का फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी अलग हो जाए रिपील ऑफ द आर्म सेक्ट जो आर्म जो स्टार्ट किया था उसको ख़त्म कर दिया जाए उसको कैंसिल कर दिया जाए फ्रीडम चाहते थे स्पीच और एक्सप्रेशन की और साथ ही एबोलिशन चाहते थे सॉल्ट टैक्स पे क्योंकि सॉल्ट पे भी टैक्स इम्पोज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा तो उसको वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हट जाए अब आते हैं नेक्स्ट पे हेडिंग पे तो ये एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल फेस ऑफ द कांग्रेस तो कांग्रेस में अब जो नेक्स्ट फेस आने वाला था वो था एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल फेस तो यहाँ पे देखिए टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी देखा जाए जिस तरह से नाइनटीन सेंचुरी खत्म होने वाली थी तो मैनी यंग लीडर्स जो थे वो आगे थे पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस में और उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया था किसके वर्किंग मैथड्स और पॉलिसीज पे को लेके तो मॉडरेट्स की वर्किंग पॉलिसीज और मेथड्स को लेके उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मॉडरेट्स के द्वारा जो भी वो काम कर रहे थे उसका कोई नतीजा तो निकल नहीं रहा था सेम एज इट इज चलते आ रहा था तो इसके खिलाफ जो है यंगस्टर्स ने जो यंग लीडर्स थे उन्होंने तो आवाज़ उठाई और इन लीडर्स में जो देखिए कौन थे तो लाला लाजपत राय पंजाब से बिलोंग करते थे, थे बाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद पाल बंगाल से इनकी जो ट्रिनिटी थी ये जो तीन लोग थे इनकी जो ट्रिनिटी थी आप कह सकते हो लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद पाल ये कैसे फेमस हुए तो इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा इनके नाम और ये जो लीडर्स थे ये अपोज करते थे पॉलिसी ऑफ पैटिशन्स और, और रेजोलेशन तो पैटिशन्स जो नहीं जिस तरह से मॉडल शिकायत कागजों में लिख लिख के लेटर्स लिख लिख के भेजते थे ब्रिटिशर्स को और रेजुलेशन शपथ लेते थे संकल्प करते थे तो इस तरह की जो याचिका वो भेजते थे और संकल्प लेते थे तो उससे कुछ होता नहीं था तो इसी वजह से ये जो यंग लीडर्स थे इस पॉलिसी के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क पर वो जोर देते थे कि अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप पर भरोसा करके कंस्ट्रक्टिव वर्क के द्वारा हम जो है अपने जो एम्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जरूर हासिल कर लेंगे और ये जो ग्रुप था इन लीडर्स का जो इस तरह की सोच था के अलग सोच रखता था इनको ही हम और रेडिकल्स के नाम से जानते हैं तो आप याद रखिएगा इनको हम और रेडिकल्स के नाम से जानते हैं हैं इसके बाद आते हैं, दे डिमांडेड और ये क्या चाहते थे तो इनकी डिमांड थी स्वराज यानी सेल्फ रूल अपना खुद का रूल होना ठीक है और फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल और इनको पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश रूल से तिलक ने कहा भी था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शेल है कि स्वराज जो है वो मेरा है, वो से अधिकार है लेकर रहूंगा अब आते पार्टीशन ऑफ बंगाल पे तो 1905 का टाइम था याद रखिएगा ईयर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल और उस समय बंगाल जो था एक बिगेस्ट प्रोविंस था इंडिया का तो उस टाइम जिस तरह से आज टाइम तो प्रोविंसेस में बटा हुआ था बंगाल था आपका ठीक है इस तरह से मद्रास और बॉम्बे तो तीन प्रेसिडेंसीज थी उस टाइम मेन और इस देखिए यहाँ पे बंगाल क्या क्या इंक्लूड करता था तो बहुत बड़ी प्रोविंस थी तो आज के जो बिहार है पार्ट्स ऑफ उड़ीसा है तो ये सारे पाँच जो हैं उस टाइम बंगाल में थे और बंगाल के फिर आगे चल के दो प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया एक आपका बंगाल प्रॉपर था और और फिर उसके बाद देखिए ईस्टर्न बंगाल और आसाम था ठीक है तो देखिए ये जो ईस्टर्न बंगाल है आपका आज बांग्लादेश है और इसी वजह से आज हमारे बंगाल को वेस्ट बंगाल कहते हैं लॉर्ड कर्जन ने डिस्क्राइब किया था पार्टीशन जो ये पार्टीशन किया था उसने कहा था ये एक री एडजस्टमेंट है बस एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का तो ये वजह देख के उसने पार्टीशन किया था बंगाल का आप आते हैं स्वदेशी मूवमेंट पे तो पार्टीशन जो बंगाल का हुआ उसके वजह से न्यू मेथड्स हुए और आप कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुए और उन्होंने अपोज करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी सिर्फ ये कह के कि हाँ हम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है बाउंड्रीज़ को एडजस्टमेंट कर रहे हैं और इसकी वजह से वो पार्टीशन कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किस तरह से वो चीज़ों को घुमा फिरा के अपने मुताबिक मोड़ते थे तो इस चीज़ की गवर्नमेंट पॉलिसीज का अपोजिशन होने लगा और न्यू मैथड जो थे जो आए किस तरह से अपोज करने के लिए ब्रिटिशर्स का तो वो मूवमेंट वो जो मेथड्स थे वो थे स्वदेशी और पॉइकड मूवमेंट्स तो आप याद रखिएगा कि कुछ न्यू मेथड्स जो आए थे वो थे स्वदेशी और पॉयक्ट मूवमेंट्स स्वदेशी देखें तो आ, इसके साथ ही जो द सॉन्ग जो था वंदे मातरम वो नेशनल सॉन्ग बना स्वदेशी मूवमेंट के दौरान और अक्टूबर 16 1905 जीरो फाइव में रबीनाथ टैगोर ने आ, इस डे को इस दिन को रक्षाबंधन डे कहा गया क्योंकि पीपल ऑफ़ ऑल कम्युनिटीज जो इस बंटवारे के बाद जो भी उस दिन आ, जो भी लोग थे ठीक है तो वो राखी बांध रहे थे एक दूसरे के हाथ में और वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे वो अपनी यूनिटी और सॉलिडेटी को शो करना चाहते थे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को और बॉयकॉट कर दिया अपनी क्लासेज उन्होंने अटेंड नहीं करी इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को इंक्रेज किया गया और लोगों ने फॉरेन गुड्स की बाहर से जो भी चीजें बनी आ रही थी उनका वो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे स्वदेशी जो सिर्फ यहाँ हमारे भारत में जो चीजें बनेंगी सिर्फ हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे और इसी वजह से सेल्फ सेल्फ रिलायंस और हेल्प का जो आइडिया था वो इनकरेज हुए अब आते हैं कलकत्ता सेशन में 1906 में तो 1906 में एक एनअस सेशन हुआ कांग्रेस का और ये कहाँ हेल्ड हुआ तो ये कलकत्ता में हुआ इसको प्रिसाइड किसने किया इसकी अध्यक्षता किसने की कि, तो ये दादा भाई नरूजी ने इसकी अध्यक्षता की और इस सेशन में जो कांग्रेस है उसने डिक्लेयर किया स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट एज इट इज़ गोल कि आप जो देखिए कोई भी सेशन होता है तो उसमें क्या मेन पॉइंट डिस्कस हुए ठीक है तो इन्होंने ये चीज़ डिस्कस कर दिया और ड्लेयर भी कर दिया कि स्वराज और जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो इनका एक फाइनल गोल है और वो इसको प्राप्त करके रहेंगे और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो इंडिया है वॉज टू बी गवर्न बाई द बाई द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ द पीपल कि अब जब इंडिया में जो भी सरकार बनेगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल होगी यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग तो 1906 में किस तरह से मुस्लिम लीग फॉम हुई तो उसको भी हमें समझते हैं तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्म हुई 30 दिसंबर 1906 में और किसके द्वारा तो ये आगा खान नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब ऑफ डाका के द्वारा जो है फाउंड हुई मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी तो इनकी डिमांड थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स यानी मुस्लिम्स के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हो जहाँ पे इनको वोट देने का और इनके आ, ही नेता वहाँ पे खड़े हों और ये जो डिमांड थी ये फुलफिल भी कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और किस रूप में यहाँ पर देखिए ट्रिक देखिए उनकी किस फॉर्म में उन्होंने दी ये डिमांड को फुलफिल कर दिया तो ये मिंटो मॉल्य रिफॉर्म्स ऑफ नाइनटीन के अंतर्गत इस डिमांड को फुलफिल कर दिया और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रदान कर दिया इसके अंतर्गत कुछ सीट्स जो थी काउंसिल्स में वो रिजर्व रिजर्व कर दी गई मुस्लिम्स के लिए और हु वुड भी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स यानी वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम वोटर्स ही उसको वोट देंगे नेक्स्ट है सूरत स्पिल्ट ऑफ 1907 तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आने लगे कांग्रेस में मॉड्रिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जिसके वजह से वो धीरे धीरे जो है एक दूसरे से अलग होने लगे और इसी वजह से देखिए कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों में ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी लंबे समय से चल भी रहा था बट सूरत में ये एक तरह से स्पिल्ट हुआ और मॉडरेट्स व एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए और गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कांग्रेस स्पिल्ट का और उन्होंने मैसिव अटैक करना स्टार्ट कर दिया एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था क्योंकि मॉड्रेस जो थे वो तो आ, इस तरह के कोई भी आक्रमणकारी काम नहीं करते थे बस सिर्फ याचिकाएं लिखते थे कंप्लेन लिखते थे और रेजोल्यूशन संकल्प और एक तरह से रिक्वेस्ट करते में विश्वास करते थे बट जो आपके एक्सटमिस्ट थे वो तो इन चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते थे वो आवाज़ उठाते थे विद्रोह करते थे और मूवमेंट्स भी करते थे अब आते हैं राइस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म पे तो सीक्रेट सोसाइटीज जो थी वो फॉर्म की गई मिलिटेंट एक्टिविटीज के द्वारा और टू ट्रेन दियर मैंम्बर्स और क्यों क्यों की गई ताकि मैंम्बर्स को ट्रेन किया जा सके और इस मोमेंट्स में उनका सहयोग पूरा मिल सके उन्हें और टू मोस्ट प्रोमिनेंट सोसाइटीज़ जो थी इस तरह की वो थी अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र और अनुशीलन समिति ऑफ बंगाल जिसको सेटअप किया गया वी डी सावरकर ने सेटअप किया था एक एसोसिएशन जिसको मित्र मेला के नाम से जाना जाता था बाद में ये अभिनव भारत के साथ उसको आ, आ, मिला दिया गया था लाला हरदयाल ने फॉर्म की थी गदर पार्टी नाइनटीन में और कहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लेते किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बदलाव हुए इंडिया में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया टैक्सेस को क्योंकि इतना खर्चा वर्ल्ड वॉर में हो गया था और वो कहाँ से लाते थे तो वो अपनी पॉकेट से तो लाने नहीं वाले थे वो जाहिर सी बात है कि इंडिया से लेने वाले थे तो यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा दिया गया वॉर की वजह से बिजनेस जो था यूरोपियन कंट्रीज में वो बहुत ही कम हो गया था फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू होने लगा लोगों को ज़बरदस्ती फौज में ज़बरदस्ती आप कह सकते हो उसको भर्ती करने लगे और उनको मरने के लिए जो है वो भेजा जाने लगा वॉर में और जो लोग थे यहाँ के इंडियंस को क्योंकि क्यों क्यों उनका तो वॉर था नहीं तो वो क्यों जाएं बट उनको जबरदस्ती भेजा जाने लगा तो इस वजह से लोग यहाँ पे बहुत ही नाखुश थे और धीरे धीरे इसके खिलाफ होते गए रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में और जिसके वजह से आइडियाज जो सोशलिज्म की किस तरह से सोसाइटी में सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए ठीक है किस तरह का, का कैपिटलिज्म के खिलाफ थे तो इस तरह की जो थिंकिंग थी ना वो 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 यहाँ पर जागरूक हुई और जिसकी वजह से नेशनल मूवमेंट जो है उसको काफ़ी सहयोग मिला यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लेते हैं नाइनटीन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिस जो एक बहुत ही पॉपुलर रहा और क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से ये पॉपुलर रहा इसके मेन फीचर्स क्या थे तो यहां पे एक बाइक कैमरा लेजिस्लेचर हुई ठीक है आप कह सकते हो कि जैसे ना विधान परिषद और विधानसभा तो दोनों होती हैं तो बाई कैमरा लेजिस्लेचर यहाँ पे होने लगी इसके साथ ही सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे वो क्रिएट कर दिए गए कि जो सब्जेक्ट्स हैं कि सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए और प्रोविंशियल लेवल पर कौन से प्रोविंशियल मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आज स्टेट्स होते हैं तो उस टाइम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते थे तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में भी देखिए कैटेगरी डिवाइड कर दी गई यहाँ दो ग्रुप होते थे रिजर्व और ट्रांसवर्ड तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में जो कभी भी एक समानी होते थे ठीक है और वो उसका जो हेड होता था वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बना दिया गया जाता था और वो चेंज सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते थे तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आपके जस्टिस रेवेन्यू पुलिस ये सारी जो चीजें थी वो आते थे और ये जो थे किसके पास रहते थे तो गवर्नर के पास रहते थे ये सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में एजुकेशन है पब्लिक हेल्थ है इस तरह के सब्जेक्ट्स होते थे और ये इंडियन मिनिस्टर्स के पास रखे जाते थे ड्यूल गवर्नमेंट जो है प्रोविसेज में ला दी गई थी यानी इंडियन का भी एक नेता बैठा दिया गया था और ब्रिटिश का भी बिठा दिया गया था तो ड्योल गवर्नमेंट में आप कह सकते हो कि ब्रिटिश के द्वारा भी और इंडिया इंडियन रूलर इंडियन लीडर्स के द्वारा दोनों के तरह जो है वो रूल हो रहा था अब आते हैं एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी तो आ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो ये 2 अक्टूबर एटीन सिक्सटी पोरबंदर गुजरात में हुआ इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और ये जब इंडिया वापस आए साउथ अफ्रीका से तो एज ऑफ फोर्टी सिक्स में आए इनकी एज फोर्टी सिक्स थी नाइनटीन सिक्सटीन में जब ये आए तो इन्होंने फिफ्टीन में ये इंडिया आए थे और सिक्सटीन में इन्होंने साबरमती आश्रम को बनाया गुजरात में और ओपन किया और यहाँ पे हर एक कास्ट के लोगों के लिए इसको खोला गया और इन्होंने इंकरेज किया कि स्वदेशी गुड्स और जो चरखा और खादी है उसका इस्तेमाल किया जाए और गांधी जी ने लॉन्च किया मूवमेंट एक मूवमेंट लॉन्च किया था चंपारण में बिहार में 1917 में और इसी को इंडिगो प्लांटेशन इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं यहाँ पे नील की खेती होती थी जो यहाँ के जो किसान थे वर्कर्स थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे बट ब्रिटिशर्स जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर करवाते थे और तो इस वजह से इसका विद्रोह जो है यहाँ पर लोगों ने किया और गांधी जी ने इसमें सहयोग दिया सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और सेकंड जो मूवमेंट था गांधी जी का वो उन्होंने स्टार्ट किया अहमदाबाद में 1918 नागटी नागटी में अब आते हैं नेक्स्ट जो है रॉलेट एक्ट में तो रॉलेट एक्ट जो था गवर्नमेंट ने पास किया रॉलेट एक्ट 1919 में और इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा शक्ति मिल गई और उनके इस वजह से क्या हुआ ना कि वो कभी भी किसी भी इंसान को है ना डाउट के बेस पे सस्पेक्ट के बेस, बेस पे और ये इंडियन लीडर्स के लिए था स्पेशली उनको कभी भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी वारंट ठीक है उन्हें किसी तरह की वारंट की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो विदाउट प्रेजेंटिंग इन द कोर्ट विदाउट एनी ट्रायल उनको सीधे दो साल के लिए जेल में भेज दिया जाता था अब आते हैं जलियावाला बाग मैस्के पे तो देखिये जलियावाला बाग मैस् एक प्रोटेस्ट चल रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारी जगहों पे पंजाब में ठीक है और यहाँ पे 10 अप्रैल 1919 में टू कांग्रेस लीडर्स जो थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किशलू उनको अरेस्ट कर लिया था गवर्नमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई फिर जलियावला बाग में अमृतसर में थर्टीन अप्रैल नाइन्टीन को और एक प्रोटेस्ट था बस ये अगेंस्ट दिस अरेस्ट की जो अरेस्ट किया था रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग और दो साल के लिए इनको सीधे जेल भेज दिया था तो इनकी आज़ादी के लिए इस तरह के अरेस्ट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा था तो लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब जो जनरल डायर को ठीक है ये जब ख़बर मिली तो वो वहाँ पे आया और उसने अपनी ट्रूप्स के साथ आया और इस मीटिंग पे तो उसने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया सोल्जर्स को कि ओपन फायर किया जाए और यहाँ पे विदाउट गिविंग एनी वार्निंग कि लोगों को किस तरह की वार्निंग नहीं दी गई थी तो इसमें इस फायरिंग में जो लास्ट सिर्फ दस मिनट तक चली उसमें चार पीपल जो थे वो मारे गए और थाउजेंड जो थे वो घायल हुए इसमें और टू शो इसके बाद जो इस प्रोटेस्ट जो ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ तो उसके खिलाफ जिस फायरिंग के खिलाफ जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो टाइटल ऑफ नाइटहुड जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू मिला था उसको उन्होंने अप कर दिया जनरल डायर को फाइनली रिमूव कर दिया गया उसकी सर्विस से और फिर नेक्स्ट आते हैं खिलाफत मूवमेंट में तो नाइनटीन में जब टर्की वॉज डिफिटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आज टर्की जानते हैं पहले इसका नाम ऑटोमन एम्पायर था तो इसकी डिफ़ीट इसकी हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और वॉर के बाद सुल्तान जो था टर्की का उसको पॉलिटिकल पास और अथॉरिटी से हटा दिया गया था इसके वजह से एजिटेटेड अगेन मुस्लिम्स जो थे इंडिया में जो रहते थे वो इस चीज़ से खिलाफ थे गुस्सा गए थे और आ, कि उनके सुल्तान को किस तरह से रिकार्ड क्योंकि खलीफा एक रिलीजियस हेड होते हैं मुस्लिम्स के एंटायर वर्ल्ड में तो उनके साथ से उनके सुल्तान को उनकी शक्ति हीन पर बना दिया गया उनको उनकी गद्दी से उतार दिया गया तो इस वजह से मुस्लिम्स हर जगह क्रोधित थे रोष में थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ और इंडियन मुस्लिम्स जो थे वो वो चाहते थे प्रेशराइज़ करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ब्रिटेन को कि वो फिर से जो खलीफा है जो इनके स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैड है मुस्लिम्स के उनको उनकी शक्ति उनकी पावर्स फिर से दे, दे दी जाए खिलाफत इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ लॉन्च हुआ नाइनटीन में दो ब्रदर्स के द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये याद रखिएगा का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप हाइयर क्लासेज में टेंथ तक ये चीज जो है आप पढ़ोगे ये टॉपिक फिर से टेंथ में रिवाइज होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लेते नाम ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है यानी किसी तरह का सहयोग ना किया जाए गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं वो इसलिए करें क्योंकि हम उनको हर हाँ एक चीज पे उनको कॉपरेट करें जो भी वो कानून बनाते हैं हम उसको फॉलो कर देते हैं तो इनका कहना था कि आप उनको नॉन नॉन कॉपरेट कौप, करिए यानी सहयोग मत करिए तो इसके लिए इन्होंने तीन ऑब्जेक्टिव दिए थे और तीन ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके मेन टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था तो गांधी जी ने इसको स्टार्ट इस किया था याद रखिएगा और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे कि खिलाफत मूवमेंट को सहयोग देना साथ ही अपनी आवाज उठाना जलियावाला बाग में जो भी हत्याकांड हुआ जलियावाला बाग में उसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाना साथ ही स्वराज ठीक है टू डिमांड फॉर स्वराज के हमें हमारा सेल्फ रूल दिया जाए तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सो थैंक यू वी वन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स